आए दिन मनपा के गार्डन पुनरुप से विकास के लिए जाने जाते हैं। शहर के शांति नगर से तुलसी नगर गार्डन में अच्छी सजावट किए जाने से अब वहां पर फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। हाल ही में तुलसी नगर गार्डन में मराठी फिल्म चिरकुट की शूटिंग की गई। आए दिन शहर के गार्डन के खस्ता हालात होने की खबरें अक्सर आती रहती है, किंतु मनपा द्वारा शांति नगर स्थित तुलसी नगर में पार्षद राजगिरी द्वारा विकास के कई कामकाज किए गए हैं, जिससे परिसर के नागरिक इस गार्डन की हरियाली का खूब आनंद उठा रहे हैं। हाल ही में शहर का अच्छा गार्डन होने की खबर आते ही इस गार्डन में चिरकुट नामक मराठी फिल्म की शूटिंग हुई है। इस गार्डन और शूटिंग के बारे में परिसर के नागरिकों ने जानकारी दी। दर्शकों, यू तो नागपुर महानगर पालिका के पूरे नागपुर शहर में ऐसे कई गार्डन हैं जो अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गार्डन हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि वे पूरी तरह से विकसित हुए हैं, थोड़ा बहुत काम बचा है। जी हाँ, आज हम आए हैं शांति नगर के उस उद्यान में, उस गार्डन में जहाँ की पार्षदा राजगिरे मैम है। आइए, और ये तमाम लोग आज यहाँ पे मौजूद है, इनसे ही जानना चाहेंगे। मैम, ये बताए कि ये जो पूरा जो गार्डन है, आज इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, क्या विशेषताएँ हैं? या प्रभागातली नगरसेविका अभिरुची राजगिरे। या आधी, 2 वर्षाआधी या गार्डन, हे गार्डन पूर्ण म्हणजे पूर्ण मैदान होतं 2 वर्षाआधी। 2 वर्षापासून आपण इथे, 2 वर्षाआधी तर पूर्ण मैदान होतं, आता आपण त्याला डेव्हलप केलेलं आहे आणि डेव्हलप करून आपण आता आज ते खूप सुंदर गार्डन तिथे इथं तयार केलेलं आहे। आणि ह्या गार्डनची एक विशेषता आहे की या गार्डनमध्ये इथे गार्डन एवढं डेव्हलप झालं की इथे एका चित्रपटाची शूटिंग झालेली आहे, आणि शूटिंग झालेली आहे चित्रपटाची, आणि अजून याचा पूर्णपणे विकास व्हायचा आहे। तो इनका ये मानना है कि यहाँ पे जो विकास की जो कामकाज है वो हो रहे हैं, कुछ जैसे जैसे वर्क ऑर्डर निकलता है, क्योंकि बाय प्रोसीजर लिए काम होता है, वैसे वैसे यहाँ कामकाज भी होते हैं। अब ये छोटी सी बच्ची देख रहे हो, ये बहुत ही मासूम छोटी सी जो बच्ची है, इस तरह से कुछ लोग हैं अपना बचपना इनमें देखते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं बच्चा हो तो अच्छा है, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी के बोझ तले वे इतना अपने आप को महसूस नहीं करते, महसूस करते हैं। ऐसे में ये बच्ची देखो, तो कुछ लोग ऐसे इनसे बात करें। मैम, आप बताइए कि कैसा लग रहा है आज इस गार्डन में, कि क्या विशेषता है यहाँ पे पहले कुछ भी था, आज गार्डन इतना अच्छा बन गया, बहुत ही अच्छा। और पहली बात तो हमारे गार्डन में, यहाँ पे तुलसी नगर में पिक्चर की शूटिंग हुई है, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। यहाँ अब हम भी बोल सकते हैं कि हमारा चिरकुट पिक्चर है, पिक्चर का नाम है चिरकुट, और हमारे गार्डन में और उसकी शूटिंग में हम सबको बोल सकते हैं गर्व से कि हाँ, हमारा भी गार्डन है और यहाँ पे भी शूटिंग होती है। हर किसी के मन में ये चाहत होती है, मगर ये संभव नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, उसके बाद में युवा होते हैं, उसके बाद में बुजुर्ग होते हैं, तो ये जो कंडीशंस है ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हम बड़ों के तो बच्चे नहीं बन सकते। हाँ, एक बात है कि यदि हमारा शरीर फिट रहे, हमारा स्वास्थ्य से हम परिपूर्ण हैं, तो यकीनन वो भी हमारा एक बचपन जैसा ही कामकाज हो सकता है। और यही खासियत इस गार्डन की, शांति नगर की, जहाँ पर लोग अपने सेहत का ध्यान रखते हैं। इतने नहीं तो ये जो गार्डन की जो विशेषता है, ये दूर दराज तक इसकी जानकारी गई, जिसके चलते वी आर चिरकुट नाम की एक मराठी जो मूवी है उसका शूटिंग भी यहाँ पे हुआ है, और मुंबई के वे लोग आए थे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से शहर के तमाम गार्डन का ये जो परचम है इसी तरह से लहराए, और मनपा का जो कामकाज है नागरिकों की तरफ ध्यान देना, उनके सेहत का ध्यान रखना, ये जो कामकाज है ये निरंतर ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। नागपुर के शांतिनगर गार्डन से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।